एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम रमन और हरिलाल था। दोनों स्वभाव से काफी भिन्न थे। रमन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वही हरिलाल कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी जमीन खरीदी। उनका विचार था कि इस जमीन में वह अच्छी फसल उगा कर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती हरिलाल खेत में काफी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन रमन खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दी, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफी पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की, तो घर आकर हरिलाल ने रमन से विनती की कि इस धन का ज्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए रमन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार हरिलाल है। फिर भी रमन की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफी ज्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूंगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रमन और हरिलाल चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मेहनती हरिलाल ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रमन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह हरिलाल जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। रमन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने रमन से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रमन ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए हों। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने रमन को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज्यादा हिस्सा हरिलाल को दिया। इस घटना के बाद रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी हरिलाल की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता, इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी मेहनत करनी ही चाहिए।